हेलो फ्रेंड्स, माइसेल्फ सीए संजय कुमार अग्रवाल। आज का डिस्कशन हमारे एमसीक्यू वीकेंड एमसीक्यू पोस्ट 5 के ऊपर है, जिसमें हमने इनकम टैक्स रिटर्न के जो न्यू फॉर्म्स लॉन्च किए हैं सीबीडीटी ने, उनके ऊपर डिस्कशंस रखा है। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का टाइम शुरू होने वाला है। जैसे कि सेक्शन 139 में उन्होंने कहा है कि एवरी एसएससी हैज टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम, तो उसी प्रकार से जितने भी एसएससीज हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, ट्रस्ट, सोसाइटी, कंपनी, एलएलपी, एवरीबॉडी हैज टू फाइल एज पर दी टाइम लिमिट मेंशन इन सेक्शन 139। तो उसी के हिसाब से, क्योंकि टैक्स में काफी चेंजेस आ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स चेंज हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स चेंज हो रहे हैं, there are so many income computation schemes has been come into, so every year the CBDT has to come with the new return form। automation का जो process है वो transition चल रहा है, तो हर साल जब भी return filing का time आता है, नए forms launch होते हैं और उस नए forms के हिसाब से सारे online forms जाते हैं। तो मैं इस सिलसिले में दो तीन बातें अपन discuss करना चाहेंगे। सबसे पहले इस साल के जो 7 form launch हुए हैं, उनको अगर हम 1 by 1 थोड़ा कैटेगराइज, एसएससी वाइज कैटेगराइज देखें, तो जो पहले 3 फॉर्म हैं, ITR 1, ITR 2, ITR 3, दिस 3 फॉर्म बिलोंग्स टू द इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, नंबर 1। नंबर 2, जो 4 नंबर ITR 4 है, दैट इज बिलोंग्स टू द एसएससीज हु आर टैक्सेबल अंडर प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन 44AD एंड 44ADA। एंड जो फिफ्थ फॉर्म में अदर देन कंपनीज, अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, एंड उनके लिए ये फिफ्थ फॉर्म है, एंड अदर देन दोज एंटिटीज व्हिच आर टेकिंग एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस अंडर स्पेसिफिक सेक्शंस और व्हिच आर कवर्ड स्पेसिफिकली अंडर ITR 7, ये फिफ्थ फॉर्म का है। एंड सिक्स्थ फॉर्म इज रिलेटिंग टू अ कंपनी डूइंग एनी टाइप ऑफ बिजनेस, ऑल टाइप ऑफ कंपनीज इंक्लूडेड इन टू दिस, other than the companies who are covered in ITR 7 who are claiming exemptions under any of the specific provision of this act. And ITR 7 is basically relates to those entities, whether in and whatever form, trust society section 25 companies, lekin jinko kisi tarike ke exemptions le rahe hain aur usme uske liye ITR 7 file karna hai। So, ये तो ब्रॉड कैटेगरी रही। अब इन्होंने क्या यूनिक फीचर्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डाली है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो उन्होंने इस बार जो देखने में आई है, उन्होंने जेंडर वाइज खत्म कर दिया फॉर्म में। दे आर नॉट आस्किंग एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जेंडर, लाइक मेल है या फीमेल है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये हुआ, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये हुआ है कि वो ये जो सारी चीजें उन्होंने इस तरीके से की है कि so that they can have more and more information, और जो डाटा है वो सारा छन के आया है उनके पास में, so that they can work on this and assess accordingly। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या किया है कि इस बार जो resident, ordinary residents के लिए एक specific form दे दिया, form 1 सिर्फ ordinary resident के लिए है। अगर कोई resident, not ordinary resident है, उसके लिए form 1 नहीं है, non-resident के लिए भी नहीं है form 1, तो form 1 is only related to a resident, जिसमें सिर्फ इनकी सैलरी की इनकम है या पेंशन की इनकम है, 50 लाख या 50 लाख से कम है, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, अगर हाउस प्रॉपर्टी से, एक हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है और हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर कोई कैरी फॉरवर्ड एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस नहीं है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा नहीं है, किसी भी तरीके का कोई फॉरन एक्सपोजर नहीं है उसको, कोई उसकी फॉरन में अकाउंट नहीं है, किसी एंटिटी में इंटरेस्ट नहीं है, एंड इसके अलावा उसका सेक्शन 115BE में भी कोई इनकम नहीं है, BB इस तरीके की कोई इनकम नहीं है स्पेशल रेट वाली, तो उसके लिए उन्होंने फॉर्म 1 दिया है। एंड फॉर्म 2 को उन्होंने कहा है ऑल इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है और जो फॉर्म ITR फॉर्म 1 में कवर नहीं है। तो ये दो चीजों के लिए फॉर्म 2 फाइल की टू फाइल करना है, ITR 2 फाइल करना है, एंड ITR 3 जो फाइल करना है ऑल HUF, ऑल इंडिविजुअल्स एंड HUF जिनके केस में बिजनेस इनकम है, तो उनको हमने ITR 3 फाइल करना है।
तो ये जो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए तीन फॉर्म थे, इस तरीके से तीन फॉर्म का पार्ट है। इसमें नेक्स्ट फॉर्म है ITR-4, वो जो प्रजेंट ITR-4 जो प्रजेंटिव टैक्सेशन के लिए है, वो ऑल टाइप ऑफ एसएससीज हु आर कवर्ड अंडर प्रजेंटिव टैक्सेशन विल बी फाइलिंग दिस ITR-4। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने अपने एमसीक्यू में भी कवर किया है कि जो 44AD में जो प्रजेंटिव टैक्सेशन है, दैट इज द अप टू द टर्नओवर ऑफ 2 crores, अगर किसी का कोई बिजनेस है, अगर कोई इनकम है, तो वो प्रजेंटिव टैक्सेशन अडॉप्ट कर सकता है, और 8% और 6% डिपेंडिंग अपॉन दी थिंग्स वो जा सकता है, लेकिन उसमें LLP कवर नहीं है। तो ये हमने अपने एक MCQ डाला है, तो इसको आप देख सकते हो 44AD के केस में LLP इज नॉट एलिजिबल फॉर 44AD एग्जेम्पशंस। सो ये उसके हिसाब से हो गया। एंड प्रजेंटिव टैक्सेशन में ITR-4 फाइल करना है। प्रजेंटिव टैक्सेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट और भी इन्होंने किया है, इस फॉर्म को बहुत ही डिटेल्ड बनाया है। और इस तरीके से क्या होता है कि अगर पूरी बैलेंस शीट ही एक तरीके से इन्होंने इंफॉर्मेशन की शेप में मांगी है, अगर वो बैलेंस शीट नहीं देते हैं एक तरीके से प्रजेंटिव टैक्सेशन में, दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट इट बिकम्स फोर्सफुली मैंडेटरी टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू फाइल ऑल द इंफॉर्मेशन विच दे आर रिक्वायरिंग टू ITR फॉर्म 5 दैट इज फाइल फॉर द प्रजेंटिव टैक्सेशन। इसी तरीके से इन्होंने कहा है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट अपने फॉरेन बैंक अकाउंट में रिफंड के लिए डाल सकता है। पहले नॉन रेजिडेंट के लिए फॉरेन बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं मिल पा रही थी, मतलब नहीं डाल सकते थे, लेकिन अब डाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चेंज यह है, GST क्योंकि पिछले साल में आया है, तो GST से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हैं वो बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इन्होंने GST से रिलेटेड मांगी है, और GST के सारे रिकंसिलेशन रिटर्न फॉर्मेट में ही दे दिए हैं। आपस में जो GST का पोर्टल है और इनकम टैक्स का पोर्टल है, दैट विल इंटीग्रेट एट सम मोमेंट ऑफ टाइम, तो वहां से सारी चीजें इंफॉर्मेशन कैप्चर कर लें और उस तरीके से सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मांगी है। इसी तरीके से ICDS से रिलेटेड जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो इन्होंने फॉर्म पे सारे इंकॉर्पोरेट किए हैं। कैपिटल गेन को बहुत ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन मांगी है। पहले जैसे होता था कि 54 के लिए अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें अमाउंट डालना होता था, अब उन्होंने पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन कहां किया, कब किया, किस जगह किया, किस तरीके की प्रॉपर्टी है, ऑल दोज इंफॉर्मेशन दे आर आस्किंग, सो दे आर डिटेल इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से सैलरी के केस में दे आर आस्किंग मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन सो दैट दे कैन स्कैन आउट कि क्या हो रहा है सैलरी के केस में, भाई एग्जेम्प्टेड उसको अलाउंसेस कितने हैं और परक्विजिट कितने दिए जा रहे हैं किसी को, सो दे कैन कैप्चर द इंफॉर्मेशन एंड कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल दोज इंफॉर्मेशन। नाउ वी विल कम इनटू द ITR फॉर्म 5। ITR फॉर्म 5 इज रिलेटेड टू ऑल टाइप ऑफ एसएससीज अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ एंड द एसएससीज व्हिच आर नॉट कवर्ड अंडर प्रजेंटिव टैक्सेशन एंड द एसएससीज व्हिच आर नॉट द कंपनी एसएससीज एंड द एसएससीज हु आर नॉट कवर्ड इन ITR-7 like any SSE who is claiming exemptions under any specific sections. So this is ITR-5. ITR-6 is all type of companies other than the companies covered in ITR-6. So उसके लिए बड़ा specific है, क्योंकि जो 7 में cover है वो 6 में नहीं आएगा companies, बाकी सारी companies cover है इसमें। 7 के लिए जो भी किसी भी तरीके के all type of SSEs who are whether trust, society, सेक्शन 25 कंपनीज और वट एवर दे आर क्लेमिंग डिडक्शंस अंडर स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ द लॉ, तो वो लोग सेक्शन ITR-7 फाइल करेंगे। सो पूरी अगर हम समरी देखें तो समरी में हमें ये लगता है कि उन्होंने ये जो पूरा चेंजेस कर किया है, जिस तरीके के फॉर्मेट इस बार आए हैं, उन फॉर्मेट में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने की ट्राई किया है, और उन इंफॉर्मेशन के साथ में सो दैट की गवर्नमेंट शैल बी इक्विप्ड विद ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड दे कैन एक्सट्रैक्ट और माइंड द इंफॉर्मेशन एज पर देयर रिक्वायरमेंट। SSC को बहुत ज्यादा, एक मेरा सजेशन है, SSC को बहुत ज्यादा एज अ कंसल्टेंट वी नीड टू सिट विद द SSC एंड ट्राई टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन विच आर नीडेड इनटू द फॉर्म्स। हर फॉर्म के लिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का रिक्विजिट बनाना चाहिए सो दैट कि SSC को वेल इन टाइम हम इन्फॉर्म कर सकें, और ऐसा नहीं करना कि कोई कॉलम में, जैसे हम कई बार करते थे प्रजेंटिव टैक्सेशन में, जो इन्फॉर्मेशन डालनी थी वो नहीं डालें, तो अभी ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि कंप्यूटर से जब स्कैनिंग होगी अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो हमारी इंफॉर्मेशन वो इनवैलिड रिटर्न जा सकती है। सो मेरे सब लोगों से एक यही है कि हमारे MCQ पोस्ट को देखें, हमारे इस वीडियो को देखें,
और अगर आपको और इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए तो यू कैन जस्ट गेट इन टच विद मी एनी टाइम एंड थैंक यू सो मच.